बनाने जा रहे हैं टमाटर से इतनी टेस्टी और मज़ेदार चटनी कि आप एक रोटी की जगह दो रोटी खाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिए ये छोटे साइज के 4 टमाटर, थोड़ी सी लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च और चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम एक पैन ले लेते हैं, इस पर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच कोई भी ऑयल जो हम खाते हैं। अब हम इस पर ये टमाटर है ना, इनको हम इस साइड से रखेंगे, ये वाला जो कटा वाला हिस्सा है ना इसको नीचे रखेंगे इस तरह से, और इसी तरह से हम सब टमाटर रख देते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 पूरी गांठ लहसुन की थी उसे मैंने छील लिया, ये डाल देती हूँ, और इसमें रख देती हूँ हरी मिर्च ये भी इसके साथ। अब हम इसे ढक के जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और दूसरा हमारा ये लहसुन और मिर्ची भी अच्छे से भुन ना जाए। अब इसे रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए, अब हम देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे टमाटर भी अच्छे से, ये देखिए छिलका अपने आप उतर रहा है, ये इसका मतलब हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं और भुन भी गए हैं। और इसी तरह से देखिए लहसुन भी कितने अच्छा भुना है, हरी मिर्च। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं थोड़ा। अब ये देखिए हमारे टमाटर थोड़ा ठंडे हो गए हैं और इसके इस तरह से ना छिलके उतार लेंगे, ये हम ये आसानी से उतर जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से मैं निकालू कि ये वाला टमाटर है और ये क्योंकि गल गए हैं ना पूरा, तो ये आसानी से इस तरह से देखिए छिलका उतर जाएगा। तो हम सभी टमाटर का इसी तरह से छिलका उतार लेते हैं। अब ये देखिए हमारे इसके टमाटर के मैंने सब छिलके हटा दिए। अब हम क्या करेंगे, या तो आप इस तरह से किसी मैसर से या उससे इसको ऐसे फोड़ लें, और नहीं तो आप एक बार मिक्सी में ना इसको हल्का सा घुमा लेते हैं जिससे इसका दरदरा सा थोड़ा पेस्ट तैयार हो जाए। अब ये देखिए इस तरह का ये हमारा दरदरा पेस्ट सा तैयार हो गया है, इससे ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है इसको। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। ये मैंने लिया बहुत थोड़ा सा नमक, और थोड़ा मैं डालूंगी इसमें काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी प्याज, आधी प्याज है मैंने इसको कट कर लिया है बारीक बारीक कट के, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अब हमारी टमाटर लहसुन की मज़ेदार चटनी बनके तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है, अगर आपको खट्टा मीठा थोड़ा सा पसंद है तो आप इसमें 1/4 टीस्पून चीनी डाल दें और इसमें मिक्स कर लें तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी और मेरी चटनी बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह से नई रेसिपी के साथ।